हरि मैया की जय। चामुंडा मैया की जय। नवचंडी मैया की जय। सज्जनों, यह नवचंडी का त्योहार आज विराम की ओर जा रहा है। व्यास जी महाराज ने जन्मेजय महाराज को बताया कि राजन, नौमी के दिन माँ भगवती की स्नेह स्नेह पूजा करते हुए समर्पण भाव से अपना पूजन करते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवती का भजन जप तप करें। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें श्याम वर्ण के शूद्रों के लिए, रक्त वर्ण यानी लाल वर्ण के क्षत्रियों के लिए रुद्राक्ष बताए, पीत वर्ण के रुद्राक्ष यानी पीले रंग के रुद्राक्ष वैश्यों के लिए बताए, और श्वेत रंग के रुद्राक्ष ब्राह्मणों के लिए बताए। ये रुद्राक्ष अलग अलग कामना की दृष्टि से सिद्धि देने वाले और माँ भगवती को प्यारे हैं। गायत्री में है, गायत्री में होने के नाते गायत्री की साधना अवश्य की जाए। यही भगवती अन्नपूर्णा का रूप भी प्रकट करती हैं। अन्नपूर्णे सनापूर्णे शंकर महावल्लभे ज्ञान भिक्षाम पार्वती, जैसा कि कल यहाँ पर अन्नपूर्णा का भंडारा भी होने जा रहा है। यही विनती है कि माँ अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजमान होकर अपने भक्तों लालों के लिए सब प्रकार से संतुष्टि प्रदान करना। और घर में भी अन्नपूर्णा बैठी है, आपका जो किचन होता है, माता बहनों भाइयों आप भी सुन लो, जिम्मेदारी केवल बहनों की नहीं है कि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थोप दो और आप झूठा गुंडा कर दो। जो हमारा किचन है, रसोई घर है, या जहां खाना बनाते हैं वो पाकशाला, वो अन्नपूर्णा घर होता है प्यारे। अन्नपूर्णा का मंदिर है, वो अन्नपूर्णा का आलय है, उसकी पवित्रता होना बहुत जरूरी है। शुद्धता, स्वच्छता, उसमें झूठन नहीं करें। ऐसा नहीं हो वहीं रसोईया में गैस के पास खड़े हो गए और खाते रहे, डकारते रहे, पीते रहे, झूठे हाथ से फिर लेते देते रहे। ऐसा होता है ना घरों में, कई बार बहुत करते हैं। कोई अतिथि आ गया तो शर्मे गए, शर्म क्यों गए, क्यों गलती की। अगर सही बात होती तो नहीं शर्मते, गलती पे इन्हें थोड़ा सा महसूस हो गए। ऐसे ही कभी कभी माताएं भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। कुछ कुछ माताएं, सब नहीं कह रहा, सब तो बहुत अच्छी है, कुछ कुछ और बढ़िया काम करती है। क्या करती है, बना लिया चुपचाप से कोई देख ले, झट से नहीं बैठ के कोने में खा लियो और उन्हीं हाथन से फिर जरूर पड़ी और ले लियो। ऐसा होता है, देखा है आंखों से, कुछ ने जरूर किया होगा, देखा होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। पाकशाला ये अन्नपूर्णा घर होता है, मंदिर है, और मंदिर में बैठ के खाते नहीं है, मंदिर में बैठ के खाते नहीं है। और जिस घर में ऐसा होता है, पाकशाला में एक झूठन करते रहते हैं, वो गड़बड़ है, वहां अन्न धन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। माता स्वयं अन्नपूर्णा हो, आप ऐसी अन्नपूर्णा हो कि आप बाद में खाती हो और सबको पहले खिलाती हो। कि जब बेटी पराई होती है ना, घर से जाती है ना, कितना उसका महत्व है। बेटियां तो पराई हैं, मुझे माँ से खिला। ये गाते हैं ना आप लोग भजन, कितना प्यारा भजन गाते हैं। क्योंकि जो माँ है ना, वो शक्तिशाली है, आप आपके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ है। क्योंकि पुरुष तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप करके चले गए, भाई बंधु चले गए, अब संवारना बिगाड़ना तो तुम्हारे हाथ है। तुम जो चाहो तो वनवास करा दो, और तुम जो चाहो तो राज भोगवा दो। वनवास कराने में भूमिका रही तो किसकी रही,
कुछ कुछ याद है। अगर राम अवतार में जाएं तो केकई की, और कृष्ण अवतार में जाएं तो द्रौपदी पांचाली की। ये तो कोई ना कोई और भी कारण है, बहुत से रहे उसमें कहीं ना कहीं, लेकिन वहां द्रौपदी भूमिका निभाती है। क्या कह दिया, वहीं ले जा रहा हूं जहां से कथा शुरू की थी महाभारत में। रहे अंधके अंधई, ये कौन है कही? अंधस्य पुत्र अंधः, पांचाली ने कही। बस कारण बन गया, बन गया कारण, इसलिए मीठी वाणी बोलियो, मन का आप खोए, औरन को शीतल करो आप शीतल होए। अन्नपूर्णा बनकर द्रौपदी अन्नपूर्णा बन गई, अन्नपूर्णा का बास उसे गर्म हो गया, एक छोटा सा चावल का दाना रह गया बटोई में, उसी से संतों का पेट भर दिया, पूरी ठेली संतुष्ट। ये वरदान होता है, इसलिए आप अन्नपूर्णा हो, आप दुर्गा हो, आप शक्ति हो, आप काली हो, लक्ष्मी हो, आप सोर्स मातृका हो, गौरी पद्मासुरी मेधा सावित्री विजया दिया देवसेना सुदास्वा मातुलुक मातरम। इसलिए नाना प्रकार के आख्यानों के माध्यम से संध्या तर्पण भजन ध्यान जप तप, इन सब के द्वारा एक ही रहस्य निकलता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, धर्मयुग आएगा और कलयुग जाएगा। कलयुग कब जाएगा, कलयुग का संकट कब कटेगा? जब हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे, गायत्री की साधना करके बुद्धि को निर्मल करेंगे, माँ की साधना करके बुद्धि को निर्मल करेंगे, और जो कुछ करेंगे उस किए हुए कर्म को अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को, अपनी मैया को समर्पण कर देंगे। अंतर नहीं समझना है इन सब देवी देवताओं में, द ऑल आर इक्वल, ये सब इक्वल हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। लघुता और गुरुता का इन दोनों में, इन सब देवताओं में आप छोटे दिमाग से मत करो विचार। ये तो विवेकी जन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जन इसका विशेष रहस्य निकाल सकते हैं। इसलिए गायत्री के सहस नाम में भी आया है, बहुत सुंदर गायत्री का ध्यान कवच और सहस नाम दिया हुआ है। इस स्त्रोत में सुंदर चर्चा की गई है कि रुद्र लोक गता तुम ही विष्ट लोक निवासनी, तुमेव ब्रह्मणो लोके अमृतानुग्रह करणी। ये माता गायत्री आपके मन में बैठ जाए तो रुद्र लोक में वास कर जाए, विष्णु लोक में चली जाए। आप चाहो तो महाकाल की संकट में आ जाओ, और आप चाहो तो फूलों की सेज पे सो जाओ। बट ध्यान रखो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, बट लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। यह जीवन फूलों की सेज नहीं है। इस जीवन को रखने पर तो प्यारे साधना और तपस्या को करके हम निर्मल होकर, तपस्वी बनकर, खोकर उस ब्रह्म को पा सकते हैं। कई बार हम रोते हैं, बिल्कुल रोना चाहिए संकट में, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। मैया जी का सेवक होके क्यों धीरज खोता है, निरख विश्वास है प्यारे मैया साथ है प्यारे, निरख विश्वास है प्यारे मैया पास है प्यारे। वनवास भोगा देखो श्री राम ने, चौदह वर्ष वनवास भोगा देखो।
लिया था देखो तारा बास, ओ सांवरिया ने जन्म लिया था देखो तारा बास, सांवरिया ने जन्म लिया था देखो तारा बास, ओ सांवरिया ने जन्म लिया था देखो तारा बास। कह कन्हैया कर्म करो, कह कन्हैया कर्म करो, कहे कन्हैया कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, धोता है मैया जी का सेवक होके धीरज खोता है, तिलक विश्वास है चारु के मैया साथ है चारु। हजारों गुना तुझे दूंगी, मैया ने कहा है तू एक कण भी देगा तो हजारों कर दूंगी। दान की झोली खोल के देखे, दान की झोली खोल के देखे मैया के दरबार में, दान की झोली खोल के देखो मैया के दरबार में, ओ कर्म की झोली खोल के देखो कर्म के इस भगवान में, मन में क्यों तू रोता क्यों तू सोता है, अपने मन में क्यों तू रोता क्यों तू सोता है, रख ले ये बिस्तर प्यारे मैया साथ में, मैया जी का सेवक हो धीरज खोता है, रख दे साथ है प्यारे मैया साथ है प्यारे, रख दे साथ है प्यारे मैया साथ है प्यारे, सच्चे दरबार की जय। आज सोने का नहीं है, आज सोने का क्यों तू सोता है, आज नौमी की रात है तो क्यों तू सोता है, तो आज रात्रि में सोना कम, मैया का ध्यान ज्यादा लगाना, और जो ज्यादा ध्यान लगाएगा मैया जी का प्यारा भक्त हो जाएगा, और माँ से अरदास है, माँ तेरे चरणों में भक्तों ने नारियल चढ़ा करके विनती की थी उनके ऊपर कृपा करना, गायत्री के रूप में अचिंत लक्षण विक्ता अभ्यत मात्र महेश्वरी अमृता वर्ण मध्यस्था जाता। 11 में एक स्कंद से लेकर के 12 में स्कंद तक पूरा कथा सुनाई व्यास जी महाराज ने जन्मेजय महाराज को, और बहुत सुंदर सुनाई, मैया जी की कृपा मिली, मणदीप में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, एक श्लोक को बोल करके शांति करेंगे, कथा बहुत है और बहुत से वचन हैं, बहुत से वर्णन हैं,
इसलिए अब यही प्रार्थना, माँ इतने में ही थोड़े को बहुत समझना। सच्चिदानंद रूपां ताम गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्री मही देवी धियो यो न प्रचोदयात्। वेद सारमदं पुण्यं पुराणं सत्तमा वेद पाठ समं पाठे श्रवणे च तथैवहि। वेद सारमदं पुण्यं।